फॉर्मूला मिल्क फीडिंग, कितना दें, कौन सा दें, कितनी फ्रीक्वेंसी से दें, कब दें, ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है हमारे पीडियाट्रिक ओपीडी में। उनके आज हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार धामा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन इन गुड़गांव। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर्मूला फीडिंग इन न्यूबॉर्न्स। बहुत कॉमन सा है पर हेजिटेशन रहती है बिकॉज बोथ पेरेंट्स एंड डॉक्टर के दिमाग में रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट, हमें डिस्कस ही नहीं करना है फॉर्मूला फीडिंग के लिए। ये एक स्टिग्मा है, तो हमें उसके कुछ डाउट्स को क्लियर करना है आज। सो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला चूज करें? सो जितने भी आज की डेट में फॉर्मूलाज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं। कोई भी सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो हमारे बेबी को सूट करे। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर अवर बेबी। यस, अब कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिसके अंदर DHA, याद कर लीजिए, DHA या ARA एडेड होता है। वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो नॉर्मली ब्रेस्ट मिल्क में होता है। तो जिन फॉर्मूलाज में ये है वो फॉर्मूलाज हमारे ब्रेस्ट मिल्क के क्लोजेस्ट है, तो उसको हम यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन आपके फॉर्मूला बॉक्स पे होते हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये फॉर्मूला बॉक्स अपने घर में ले आए हैं, तो हाउ डू वी प्रिपेयर दैट फॉर्मूला? हर बॉक्स पे हिंदी और इंग्लिश में बहुत क्लियरली लिखा होता है कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो हम वाटर यूज कर रहे हैं इट शुड बी वेरी क्लीन वाटर। कैसे करेंगे उसको? स्टेरिलाइज वाटर यूज करना है। हमने वाटर को बॉयल करना है 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद में हमने उसको 70 डिग्री पे लेके आना है। दैट मीन्स उसको नेचुरली कूल होने देना है, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे। अगर हम उसको रिपीटेडली यूज करना चाहते हैं तो हम उसको ग्लास फ्लास्क के अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज एवरी टाइम वी नीड टू यूज फ्रेश बॉयल्ड वाटर। रखा हुआ पानी नहीं यूज करना है क्योंकि उसके अंदर मिनरल कॉन्टेंट इंक्रीज कर जाता है। अगर हम सेम वाटर को बार बार बॉयल करेंगे तो उसके अंदर मिनरल्स का कंटेंट बढ़ेगा जो हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंडली, हमें जो बॉयल करना है दैट शुड बी इन द स्टील यूटेंसिल्स, स्टील के बर्तन के अंदर हमने उसको बॉयल करना है। जब हमारे पास में वाटर रेडी है तो हमने बनाना कैसे है? पहले हमने बॉटल के अंदर वाटर डालना है, फिर फॉर्मूला डालना है, फिर उनको मिक्स करना है। उल्टा नहीं करना है, पहले फॉर्मूला उसके ऊपर से वाटर नहीं आएगा। तो पहले वाटर, फिर फॉर्मूला, फिर उसको थरली मिक्स कर देना है जिससे टेम्परेचर यूनिफॉर्मली होना चाहिए और फॉर्मूला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कितने पानी में कितना फॉर्मूला डालना है? नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है उसमें 30 ml ऑफ वाटर, जो हमारी बॉटल्स होती हैं उसके अंदर या तो मार्किंग्स लगी होती हैं, वन मार्किंग इज 30 ml, या उसमें लिखा ही होता है 30, 60, 90। तो 30 ml में वन स्कूप ऑफ फॉर्मूला जाता है। जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर एक स्कूप अवेलेबल होता है, उसी को यूज करना है। कोई और चम्मच नहीं यूज करनी है। वो जो मेजर है दैट इज द करेक्ट मेजर। चम्मच में आपके फॉर्मूला का अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है पर स्कूप में नहीं होगा। सेकंड, जो उसके अंदर फॉर्मूला है आपके स्कूप में, उसको अपने हीप नहीं कर देना, पूरा अच्छे से नहीं भर देना कि हमारे अपने बच्चे का वेट बढ़ा देंगे ज्यादा फॉर्मूला देके। या उसको हमने कम भी नहीं रखना है कि हमने उसको आधा ओछा करके यूज किया है। उससे क्या होगा, बच्चे को पानी ज्यादा मिलेगा, फॉर्मूला कम मिलेगा, तो उससे वेट गेन नहीं होने वाला है। तो जितना स्कूप में आए उतना ही हमने फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट, जब हमने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है तो उससे रिलेटेड क्या कोई इश्यूज हो सकते हैं? यस, कभी कभी किसी किसी फॉर्मूला से बेबी के कुछ रिएक्शंस हो सकती है। हो सकता है वो बच्चे को सूट ना कर रहा हो, तो उसके साइंस क्या होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है उसको बच्चा वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है लूज मोशंस हो जाए, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाए, बहुत ज्यादा रोए उसको लेने के बाद में, या फिर कोई बॉडी पे रैश आ जाए। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि फॉर्मूला से बच्चे को रिएक्शन हो रहा है, हमें फॉर्मूला चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और उस टाइम कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगली बार फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करें तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब हमने ये देख लिया कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे रेडी करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, अब कितना अमाउंट यूज करना है। डे वन पे बेबीज बहुत स्मॉल अमाउंट लेते हैं, मे बी 30 ml इज गुड एनफ। जैसे जैसे बेबीज की एज इंक्रीज करती है, आफ्टर वन वीक नॉर्मली बेबीज 150 ml पर किलोग्राम ऑफ फॉर्मूला कंज्यूम कर लेते हैं। प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, हर बेबी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है।
तो इतना अप्रोक्सीमेट आइडिया रखना है कि अराउंड अबाउट 150 ml पर केजी पर डे फार्मूला यूज होगा। कुछ बेबीज स्मॉल अमाउंट्स फ्रीक्वेंटली लेते हैं, कुछ बेबीज लार्ज अमाउंट इन वन गो ले लेते हैं। फ्रीक्वेंटली मीन्स कि 1.5 to 2 आवर्स में भी ले रहे हैं, इनफ्रीक्वेंट मीन्स 3 आवर्स। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ऐसा नहीं करना है कि हमारे बेबी सोता रहा है, 4 घंटे 6 घंटे सो रहा है और हम उसको फीड नहीं करा रहे। वी शुड टेक कि 3 आवर्स के बाद में हमने बेबी को फीड कराना है। अब हमें ये कैसे पता चले कि हम फॉर्मूला फीड करा रहे हैं, बेबी के लिए वो फॉर्मूला एनफ है कि नहीं है? इसके साइंस है कि बेबी का वेट गेन हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, नॉर्मली आफ्टर 14 डेज ऑफ लाइफ एंड देन एट 1 मंथ और फिर वैक्सीनेशन के टाइम पे हम विजिट्स करते हैं, तो आपके डॉक्टर को आपके बेबी का वेट लेना है और उसको चार्ट करके देखेंगे क्या वेट गेन एडिक्वेट है। अगर वेट गेन एडिक्वेट है तो ये श्योर शॉर्ट साइन है कि हमारे लिए फॉर्मूला एडिक्वेट है। डे टू डे लाइफ में हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी फॉर्मूला एडिक्वेटली ले रहा है? फर्स्ट, बेबी फॉर्मूला लेने के बाद में प्रॉपरली सो जाता है। सेकेंडली, अप्रोक्सीमेटली 6 डायपर्स, वेट डायपर्स बेबी के जनरेट होने चाहिए इन अ 24 आवर्स पीरियड। अगला क्वेश्चन है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी हंग्री है कि नहीं है? नॉर्मली 1.5 to 2 आवर्स के गैप में बेबीज को भूख लग जाती है, एक जनरल सा अजम्पशन ये है। दूसरा, बेबी थोड़ा रेस्टलेस होना स्टार्ट कर देता है, वो अपना माउथ जो होता है एक तरफ टर्न करना स्टार्ट कर देता है और जो चीज स्टिक कर रही है उसकी तरफ अपना माउथ ओपन करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज अ साइन ऑफ हंगर। क्राइंग इज अ वेरी लेट साइन ऑफ हंगर। इस चीज के लिए इंतजार नहीं करना है कि हमारा बच्चा अच्छे से रोने लग जाए, तब हमने उसको फीड कराना है। उस केस में बेबी प्रॉपरली लैच ऑन नहीं करता है और कॉलिक होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अर्ली साइंस पिकअप करने हैं कि अब हमारा बच्चा थोड़ा एक्टिव हो गया है, थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो रहा है, हाइपर अलर्ट हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है या बार बार एक तरफ अपना मुंह खोल के ओपन कर रहा है, दैट मींस ही इज हंग्री, तो उनको फीड देने की रिक्वायरमेंट है। कितने टाइम तक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? सो फॉर्मूला बनाने के बाद में अगर रूम टेम्परेचर पे है तो 2 आवर्स के अंदर यूज करना है। अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं, या हम फॉर्मूला प्रिपेयर करके बाहर जाना चाहते हैं तो हम 4 आवर्स तक उसको कूल बैग में यूज कर सकते हैं। कूल बैग में स्टोर करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो विद इन 4 आवर्स हमने उसको कंज्यूम करना है। बेटर आइडिया ये रहता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको वाटर अलग से लेके जाना चाहिए फ्लास्क में, फॉर्मूला अलग से लेके जाना चाहिए, और जब आपको यूज करना है तो उस टाइम फ्रेशली उसको प्रिपेयर कर लीजिए। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाइजीन। जब आप फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे तो हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर हैंड्स, यू शुड हैव अ वेरी स्टेरिलाइज्ड बॉटल। जहाँ सरफेस है, जहाँ पे बना रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड इट शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली विद प्रॉपर कैप ऑन द बॉटल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लोड करेंगे तो वो सबसे पहले आप व्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।